ये गाइस हमारी लैंडिंग हो चुकी है और हम चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आपसे इमिग्रेशन। पूरा एयरक्राफ्ट खाली हो चुका है, हम सबसे लास्ट में उतर रहे हैं। हमारी बस खड़ी है, हम हमारी बस पर जा रहे हैं। ये हमारा एयरक्राफ्ट है, हमने अभी आए हैं, देखिए काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है। तो देखिएगा इमिग्रेशन की भीड़, देखिए आप कितनी भीड़ है, ये देखिए कितनी भीड़ है। अब यहाँ पर मिनिमम 1 आवर तो हमें लगेगा ही लगेगा। दोस्तों वियतनाम में हमारा ऑफिशियल तरीके से स्वागत हो चुका है और हम ऑफिशियली वियतनाम में इंटर कर चुके हैं। चलिए अब आगे का प्लान बनाते हैं कि एक दूसरी सिटी जाना है तो कैसे जाएं, क्योंकि हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, अभी हमें कोई फ़्लाइट अवेलेबल होती है तो लेके चलते हैं हनोई। तो देखिए आप यहाँ का नज़ारा, ये आप देख सकते हैं सामने वाइन शॉप है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तो बियर और अल्कोहल की नदियाँ बहती है। तो चलिए आई जल्दी चलते हैं डोमेस्टिक टर्मिनल पर और देखते हैं हमारे पास कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट अभी अवेलेबल है कि नहीं। अगर हमारे को अच्छे बजट में मिल जाती है तो हम उसको ज़रूर लेंगे और हनोई की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलती है कि नहीं। ये पूरा एरिया ड्यूटी फ्री, काफ़ी छोटा एरिया है ड्यूटी फ्री का। सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमें वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था। तो चलिए यहाँ पे आपको देखिए कैब्स के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कैब बुक करने के लिए, बट अभी हमें कैब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन फटाफट चलते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक डिपार्चर पर, वहाँ चल के देखते हैं कोई हमें काउंटर से अगर कोई सस्ता टिकट मिलता है हनोई जाने का तो सबसे पहले उसको लेते हैं। अदरवाइज़ हम फिर हो ची मिन्ह सिटी में ही स्टे करेंगे और जब भी फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे जब हनोई को एक्सप्लोर करेंगे। और हमें एटीएम से कुछ विड्रॉ भी करना है तो देखते हैं हमें एटीएम से क्या रेट मिलता है। और हम कुछ 10,000 के करीब विड्रॉ करेंगे। ये देखिए गाइस हम अब बाहर आ चुके हैं और ये है वियतनाम का हो ची मिन्ह सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर बाहर जो कोई वेटिंग के लिए। हाँ चलिए तो हम सबसे पहले डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखिए आपको कैब बुक करने काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं कैब बुक करने के लिए, आप देख सकते हैं। चलिए मैं इस कैमरे को थोड़ा वाइड एंगल करता हूँ तो आपको और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। हेलो हेलो, यहाँ के लोग भी जानते हैं YouTube का क्रेज़। और ऐसा कहा जाता है वियतनाम के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं और ये बात कुछ हद तक सही भी है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अब डोमेस्टिक टर्मिनल पर। तो गाइस अपन बढ़ रहे हैं डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ और यहाँ लाइट की कमी होने के कारण पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, तो थोड़ा कंसिडर करिएगा पिक्चर क्वालिटी के लिए। क्योंकि मैंने अपना DSLR अभी निकाला नहीं है, अब मैं सोच रहा हूँ उसको अभी कहाँ निकाला नकुली करें। तो अभी आपको GoPro से ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और हो ची मिन्ह सिटी में पहले भी आया हूँ, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। ये देखिए आप, ये हम डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ बढ़ गए हैं, लगभग हम पहुँच गए हैं डोमेस्टिक की तरफ। और मे भी हमें कोई फ़्लाइट मिल जानी चाहिए, अगर 4-5,000 की रेंज में आएगी तो हम उसको ज़रूर टिकट को ख़रीदेंगे। और अगर विजेट एयर का हमें कोई सस्ता टिकट मिलता है और उनसे थोड़ी बात भी करेंगे कि उन्हीं की वजह से हमारा टिकट कैंसिल हुआ, अगर वो कुछ डिस्काउंट देने पे कन्विंस कर लेते हैं उनको तो हमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा इसका काफ़ी खूबसूरत है बाहर से देखने में। देखिए लाइट्स वाइट्स का अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, काफ़ी लाइट्स लगी हैं और काफ़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है बाहर। रोड साइड का एरिया आप देख सकते हैं,
देखिए आप हुंडई की टशन खड़ी हुई है जो हमारे वहाँ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है। पदातत कॉरपोरेशन का ये पिकअप स्टेशन है। चलिए विजेट एयर का ऑफिस हमें मिल गया है तो चलते हैं विजेट एयर पर और देखते हैं हमें यहाँ टिकट कितने को देखने को मिलती है, क्या किस प्राइस पॉइंट पर हमें यहाँ टिकट देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइस, एक बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने हमें कंफर्ट किया और हमको कोई चार्ज नहीं लिया है हमसे और हमें अभी इंस्टेंट एक फ़्लाइट इन्होंने दे दी है। तो चलिए अपनी फ़्लाइट की तरफ मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से अपने गेट की तरफ पढ़ते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ विजेट एयर को जिन्होंने हमारी मजबूरी को समझा और इन्होंने हमें कंपनसेट के तौर पर एक फ़्लाइट दे दी है। अभी 21:10 में 20 मिनट बचे हैं बोर्डिंग गेट क्लोज़ होने में गाइस, तो जल्दी से चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। हमारा गेट नंबर 10 है, तो जल्दी जल्दी बोर्डिंग गेट पर चलते हैं और चलिए आखिरकार हम हनोई पहुँच ही जाएंगे। चलिए चलते हैं, सिक्योरिटी करते हैं। तो चलिए गाइस, ऑल सिक्योरिटी प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड बहुत हेजी टाइम रहा। देखिए मैं पसीना पसीना हो गया हूँ और मार्जिन काफ़ी कम है। 21:40 को मतलब 9:40 को हमारा बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा और अभी शायद टाइम हो गया है 9:30 और गैजेट ज़्यादा होने की वजह से सिक्योरिटी में बहुत टाइम लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने ज़्यादा होंगे आपको सिक्योरिटी में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए अपने गेट की तरफ चलते हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद था तो हम फ्लाइट ज़रूर पकड़ लेंगे। तो ये देखिए लीकर शॉप, यहाँ लीकर शॉप हर जगह अवेलेबल है। वैसे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पर हर जगह लीकर शॉप अवेलेबल थी और बहुत सारे बार भी वहाँ अवेलेबल थे। तो चलिए ये आ गया हमारा 12B। गाइस एक और गलती है, हमारा गेट नंबर 20 है और हम 12B कर रहे हैं, तो दिस इज डिजास्टर मिस्टेक फॉर मी। तो चलिए जल्दी से अपने गेट की तरफ भागते हैं और ये आ गए हैं हमारी गेट की तरफ और वो रहा हमारा गेट नंबर 12 20B। तो आप देख सकते हैं कि हर बार में कितनी गलतियां होती है। जो सीट नंबर था हमने उसको गेट नंबर समझ लिया, जो गेट नंबर था हमने उसको सीट नंबर समझ लिया। ये देखिए गाइस, हो ची मिन्ह सिटी का डोमेस्टिक टर्मिनल और ये हमारा गेट नंबर है 20 और ये है सिक्योरिटी चेक, आप देख सकते हैं। और ऊपर भी कुछ गेट्स बने हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ लाउंज एक्सेस करूँ नहीं करूँ क्योंकि टाइम कम है। लाउंज में जाऊँगा, भूख तो लगी है, डिनर करने का सोच तो रहा हूँ, या तो मैं लाउंज एक्सेस करूँ या फिर ये एक लोकल शॉप है क्या है देखते हैं, अर्बन मार्केट यहाँ पे कुछ खाया जाए। तो बताइए गाइस क्या करा जाए, आप देख रहे होंगे मेरी हालत। कल भी रात भर एयरपोर्ट पे निकाली हमने, कल पूरी रात हम एयरपोर्ट पर रहे, तो आज स्नान हो गया, आज दिन भर फ्लाइट में रहे। तो क्या कहते हैं आप, यहाँ कुछ खाया जाए। और ये देखिए पूरा टर्मिनल, बियर अवेलेबल है यहाँ सारी। KFC मिल जाए तो KFC खाते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे को लगता नहीं KFC इस फ्लोर पे है, KFC तो नहीं है इस फ्लोर पे। तो
क्या करना चाहिए। अभी गेट ओपन होने में टाइम है। ये सामने हमारा गेट 20, अभी 22:10 पे ओपन होगा। अभी ऑलमोस्ट 1 आवर है। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉन्च चला जाए। लॉन्च में हमें कुछ बियर भी पीने को मिल जाएगी। तो नहीं सोचता मेरा एक इंटरनेशनल लॉन्च खराब हो जाएगा। अभी व्हाट्स योर नेम? थनबा। सॉरी, थनबा। थनबा, ओके। व्हाट योर नेम? Do you like where you from? YouTube, India. Okay. Okay. Welcome. You from Vietnam? Okay. Yeah. Okay. Nice to meet you. देखा तो दोस्तों, देखा आपने कितने फ्रेंडली लोग हैं वियतनाम के। और हम आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली लोगों से मिलाते रहेंगे। तो कल से मेन हमारी वीडियो शुरू होंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम हनोई से हमारी भी इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे और आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस ऊपर चलते हैं। ऊपर कुछ मैंने शायद बर्गर किंग देखा था, बर्गर किंग पर चलते हैं और कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। तो चलिए चलते हैं बर्गर किंग पर। अपन ये एक्सीलेटर लेते हैं और ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। आज का दिन काफ़ी हेजल भरा रहा, आज का दिन और लास्ट नाइट। आपने सब वीडियो में देखा ही होगा पिछले वीडियो में। हाय। तो जो भी कैमरे को देखता है ज़रूर करता है। ये क्या लाउंज है? मे भी ये लाउंज है। और क्या हमें इस लाउंज को एक्सेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मे भी करना चाहिए अगर ये हमारा कार्ड एक्सेप्टेबल है तो। ये है सेंगा। डू यू एक्सेप्ट प्रायोरिटी पास? डू यू एक्सेप्ट प्रायोरिटी पास? प्रायोरिटी पास, यस। यस यू एक्सेप्ट इट? यस। ओके, तो गाइस हम हमारा प्रायोरिटी पास निकालते हैं। देखिए गाइस, हम ये लॉन्च यूज कर रहे हैं। ये हमारा है, काफ़ी अच्छा लॉन्च है। इनके डोमेस्टिक अंदर से लॉन्च है। मैं वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं है लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। ये हो चि मिन सिटी का डोमेस्टिक टर्मिनल है। चलिए देखिए, गाइज इन्होंने हमारा गेट चेंज कर दिया है। अब गेट नंबर 6 से हमको बोर्डिंग करना है। तो हमारी बोर्डिंग में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं गेट नंबर 6 पे और अपनी फ्लाइट बोर्ड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी बुराई करी थी वेटजेट की, बट जब मैं वियतनाम पहुंचा और इनको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो इन्होंने इवन एक क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा और मेरे को नहीं बोर्डिंग पास इशू कर दिया और मुझे हनोई के लिए फ्लाइट प्रोवाइड करा दी। तो अब मैं काफ़ी असमंजस हूँ कि एयरलाइन के लिए क्या कहूँ। तो आप ही बताइए गाइस कमेंट करके कि इस एयरलाइंस के क्या रेट देना चाहिए मेरे को, क्या रेटिंग दूँ मैं। हमारी बोर्डिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप भी बने रहें हमारे साथ। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।
विडजेट एयर हनोई देखिए। Thứ này được không? À, xuống dưới đổi đi anh, chuyến này không kịp đâu, đi chuyến sau giùm em. Quên bao nhiêu rồi? Y1 anh, ở dưới chỗ làm thủ tục. तो चलिए गाइस चलते हैं अपने वोटिंग गेट की तरफ। और आज शायद हमें बीच वाली रो में सीट मिली है, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। 12B हमारा सीट नंबर है। तो चलते हैं गाइस और आपको मिलते हैं एयरक्राफ्ट में। तो चलिए बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने एयरक्राफ्ट में और चलो अंदर चलते हैं। हेलो, वो कहाँ पर बिचे? हमारा सीट नंबर 12B। तो दोस्तों बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और अब आपसे जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो हनोई में आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।